अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। टुडे वी हैव अ लेक्चर ऑफ अ साइंस बुक 6। एज यू ऑल वन नो, वी आर स्टडिंग अ चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ अ डाइजेशन, फूड एंड डाइजेशन, विच इज ऑन पेज नंबर 102। फूड एंड डाइजेशन विच स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 102। सो वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर। So open your page 102. Chapter number 8, food and digestion. And in our previous lecture we have studied tale about different food types: carbohydrate, fats, protein, minerals, vitamins, raw fat. ठीक है, and page number 103 तक हमने पढ़ लिया था। Today we will start from page number 104. It is about different food tests. ठीक है, so before starting the lecture, first of all mention today date and also the day here. Food test, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज अ फूड टेस्ट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट टेस्ट। सपोज कि हमारे पास कोई भी फूड है, हम उसमें फाइंड आउट करने के लिए कि इसमें कौन सा हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट है, वेदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, वेदर शुगर प्रेजेंट है या फैट प्रेजेंट है, उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फूड टेस्ट। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट व्हाट फूड कंटेन बाय कैरिंग आउट अ फ्यू सिंपल केमिकल टेस्ट इन द लेबोरेटरी। And all these chemical tests are performed in the laboratory in order to check the food content, what food content, by using a simple chemical test. First test is for testing food for starch. पहला जो हमारा टेस्ट है वो हमने स्टार्च की प्रेजेंस के लिए करना है कि हमारे पास फॉर सपोज एक ब्रेड है, in order to know that starch is present in this bread or not, we use a chemical test. So we start reading, add a few drops of iodine to the food sample. If any starch is present in the food, it will change the color of the iodine from brown to blue black. Iodine solution हमारे पास एक होता है, it is in a liquid form. इसका color होता है हमारे पास brown. ठीक है, ये हमारे पास एक iodine solution है, it is a brown in color. ठीक है, so we take a bread and add a few drop of iodine solution on bread. ठीक है, जैसे हम iodine का solution इस bread के ऊपर 2 or 3 drops को क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग throw करेंगे, तो हमारे पास जो part जिसके ऊपर हमने drop add किए हैं iodine solution के, it's become brown to blue black. So यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि iodine solution ब्लू ब्राउन कलर का था, जैसे हमने इसको ब्रेड के ऊपर इसके फ्यू ड्रॉप्स डाले तो इसका कलर ब्राउन से चेंज हो गया ब्लू ब्लैक में. ठीक है, सो ये जो कलर हमारे पास आया डैट इज़ ब्लू ब्लैक, इट इंडिकेट्स दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन द गिवन फूड और इन द ब्रेड. ठीक है, सो हेयर वी कंफर्म द टेस्ट दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन द ब्रेड. ओके, पहले उसका ब्राउन कलर था, जैसे हमने उसके फ्यू ड्रॉप्स इसके ऊपर टिल्ट किए हमारे पास या तो हमने गिराए, तो ब्लू ब्राउन जो कलर है वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया. इट्स मीन्स दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन द ब्रेड. सो इट इज़ अ सिंपल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ ब्रेड. द सेकेंड टेस्ट इज टेस्टिंग फूड फॉर प्रोटीन. अब हमने क्या करना है, प्रोटीन को चेक करना है कि वेदर द प्रोटीन इज प्रेजेंट इन अ फूड और नॉट. सो फॉर प्रोटीन प्रेजेंस वी परफॉर्म अ टेस्ट. Add some butyrate solution to the food in a test tube and shake it carefully. अब हमने क्या करना है, इसके लिए हमने आयोडीन सोल्यूशन लिया था स्टार्च के लिए, अब हमने प्रोटीन के लिए कौन सा सोल्यूशन लेना है, ब्यूरिट सोल्यूशन डैट इज़ लाइट ब्लू इन अ कलर. इस सोल्यूशन को हमने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में डालना है. ये सोल्यूशन हमने किस में डाला है, टेस्ट ट्यूब में डाला. ठीक है, अब हमने क्या किया है, फॉर सपोज अब हमने फूड कौन सा लिया है, फूड हम ले लेते हैं मिल्क. मिल्क में क्या होती है, प्रोटीन, तो हमने आइडेंटिफाई करना है वेदर मिल्क में प्रोटीन है या नहीं है. सो फॉर दैट पर्पज हमने इस टेस्ट ट्यूब में पहले क्या डाला, मिल्क डाला. मिल्क में डालने के बाद हमने सम ब्यूरेट सॉल्यूशन के ड्रॉप जो हैं वो उस मिल्क के अंदर ड्रॉप आउट कर दिए. ठीक है,
जैसे हम इसके अंदर ड्रॉप आउट करेंगे और फिर हमने क्या करना है, शेक इट केयरफुली। अब हमने क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब को शेक करना है। शेक करने के बाद क्या होगा, इफ़ प्रोटीन इज़ प्रेजेंट द ब्यूरेट सोल्यूशन विल चेंजेस फ्रॉम लाइट ब्लू टू द पर्पल। पहले ये ब्यूरेट सोल्यूशन ब्लू कलर का था, लाइट ब्लू। जैसे ही हम लोग इसको मिल्क में डालेंगे ब्यूरेट सोल्यूशन को, अगर उसका कलर लाइट ब्लू से पर्पल में चेंज होता है तो इट्स मीन डैट मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, सो हेयर इज़ अ इंडिकेशन ऑफ अ प्रोटीन। पहले वो लाइट ब्लू था कलर, फिर वो क्या हो गया हमारे पास चेंज इंटू अ पर्पल कलर। इट्स मीन डैट कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन इज प्रेजेंट। कंफर्मेशन टेस्ट हो गया दैट प्रोटीन इज अ प्रेजेंट इन अ मिल्क। ओके, सो थर्ड फूड टेस्ट इज फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ सिंपल शुगर। टेस्टिंग फूड फॉर ग्लूकोज और सिंपल शुगर। वी नो डैट ग्लूकोज इज़ अ शुगर। अब हमने चेक करना है कि वेदर द शुगर इज़ प्रेजेंट इन आवर फूड और नॉट। इन ऑर्डर फॉर दैट वी परफॉर्म अ केमिकल टेस्ट। एड बेनेडिक्ट सोल्यूशंस टू द फूड इन अ टेस्ट ट्यूब। पुट द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर। अब हमने क्या करना है, इसके लिए हमने लेना है ग्लूकोज की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम लोग बेनेडिक्ट सोल्यूशन लेते हैं। इट इज़ अ बेनेडिक्ट सोल्यूशन। ठीक है, हमारे पास ब्लूइश कलर का है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फॉर सपोज फूड, हम इसके लिए हमें किस किन चीज़ों में शुगर होती है, हम बिस्किट ले लेते हैं, स्वीट बिस्किट वो क्या होते हैं, उसके अंदर शुगर होगी। ठीक है, जाहिर बात है तभी स्वीट होते हैं। हमने क्या करना है, पीसीज ऑफ बिस्किट लेके इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देने हैं। ठीक है, जैसे हमने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर पीसीज ऑफ बिस्किट को डालना है और उसके अंदर हमने क्या करना है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन डाल देना है। बेनेडिक्ट सोल्यूशन को डालने के बाद हमने क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में रख लेना है, बीकर ऑफ वाटर में, और फिर उसको नीचे से क्या करना है, हीट करना है। ठीक है, हमने ये टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में हमने पीसीज ऑफ बिस्किट लिए, पीसीज ऑफ बिस्किट के अंदर हमने क्या डाला, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन डाल दिया। उसके बाद हमने इस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर के अंदर रख दिया जिसके अंदर क्या था, वाटर, और नीचे से हमने इसको क्या कर दिया, हीट कर लिया। ठीक है, इफ़ अ ग्लूकोज इज प्रेजेंट द बेनेडिक्ट सोल्यूशन विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन टू अ ब्रेक रेड। ठीक है, अगर बेनेडिक्ट सोल्यूशन इसके अंदर ग्लूकोज होगा तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या करेगा, अपना कलर चेंज कर लेगा फ्रॉम ब्लू ग्रीन टू अ ब्रेक रेड। हेयर यू ऑब्जर्व दैट फर्स्ट बेनेडिक्ट सोल्यूशन इज ब्लू इन कलर, आफ्टर द कंफर्मेशन टेस्ट इट बिकम्स ब्रेक रेड। इट मीन्स दैट ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन दीज बिस्किट्स। ओके, सो कंफर्मेटरी टेस्ट हमने कर लिया डैट स्वीट स्वीट बिस्किट कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज और अ सिंपल शुगर्स। ठीक है, सो फोर्थ टेस्ट फूड फॉर फैट। अब नेक्स्ट हमने जो टेस्ट करना है डैट इज़ फॉर फैट। फैट हमें पता है किन चीज़ों में होता है, ऑयली चीज़ों में होता है, फॉर एग्जाम्पल चीज़। तो यहाँ पे हमने कौन सा फूड लेंगे, चीज़ लेंगे। ठीक है, तो चीज़ में हमने कंफर्म करना है वेदर इट कंसिस्ट ऑफ फैट और नॉट। शेक द फूड सैम्पल विद सम एथेनॉल इन अ टेस्ट ट्यूब। हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर हमने क्या डालना है, चीज़ डालनी है। ठीक है, जो फूड हम ले रहे हैं दैट इज़ द चीज़, चीज़ डालनी है टेस्ट ट्यूब में। उसके अंदर हमने क्या डाल देना है, थोड़ा सा एथेनॉल डालना है। एथेनॉल हमारे पास वाटर में एक केमिकल होता है, इट इज़ इन अल्कोहल की ये क्लास का होता है। ठीक है, तो एथेनॉल हमने इसके अंदर डाल देना है चीज़ के अंदर। ठीक है, चीज़ के अंदर जैसे ही हम लोग एथेनॉल डालेंगे, फिर हमने क्या करना है, इस मिक्सचर को जो हमने एथेनॉल के अंदर चीज़ का बनाया, उसको हमने क्या कर देना है, फ़िल्टर करना है। ठीक है, फ़िल्टर पेपर रखेंगे फनल के ऊपर और उस सोल्यूशन को पूरा हम लोग ड्रॉप कर देंगे नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में। अब जो हमारे पास ये जो सोल्यूशन आएगा फ़िल्टर की फॉर्म में, इट इज़ अ फिल्ट्रेट, इट इज़ अ फिल्ट्रेट। फ़िल्टर करने के बाद जो सोल्यूशन हमारे पास आता है डैट इज़ अ फिल्ट्रेट। ओके, फ़िल्टर द मिक्सचर इन टू अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड देन एड सम क्लीन वाटर टू द फिल्ट्रेट। अब ये जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया है, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, टैप वाटर डालेंगे, एक क्लीन वाटर डालेंगे। इफ़ फैट इज़ अ प्रेजेंट अ वाइट क्लॉडी इमल्जन एज अपेयर। अब हमने क्या किया, जो फिल्ट्रेट हमें मिला, इस फिल्ट्रेट के अंदर हमने टैप वाटर डाला। टैप वाटर डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर उसके अंदर वाइट कलर का क्लाउडी सोल्यूशन बन रहा है, वाइटिश वाइटिश लाइक दैट, जैसे हमारे पास एग एग की वाइटिश पार्ट होता है एल्बुमिन, उसी तरह हमारे पास एक क्लाउडी सस्पेंशन हमें मिलेगा, इमल्जन मिलेगा, तो इट्स मीन दैट इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। ये इट इज़ अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर फैट। ठीक है, सो हेयर वी स्टडीड अबाउट फोर डिफरेंट फूड टेस्ट फॉर स्टार्च, प्रोटीन, सिंपल शुगर एंड फैट्स। ठीक है।